तो बहुत बेसिक पूछा जाएगा। हालांकि डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी तो बहुत डिफरेंट किस्म की अकाउंटिंग होती है, बहुत मुश्किल अकाउंटिंग होती है, लेकिन जो तुमसे पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि आपके पास जो भी सब्सिडी आपने पूरी बेच दी, सही, दैट इज 100% डिस्पोजल। अगर 80% मैंने शेयर्स एक्वायर किए हुए थे एक सब्सिडी में, तो 100% का मतलब मैंने पूरी 80% सेल कर दी, 60% एक्वायर किए तो मैंने पूरे 60% सेल कर दी, ये सिनेरियो आएगा। ओके, अब देखो जब एक कंपनी कोई चीज बेचती है तो उसमें गेन और लॉस आता है जी। अब यहाँ पर मसला ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल बुक्स में भी रिकॉर्ड होती है और ग्रुप अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड होती है। तो इसी तरह जब हम कोई सब्सिडरी बेचेंगे तो सब्सिडरी की इंडिविजुअल बुक्स में भी कैलकुलेट होगा और ग्रुप अकाउंटिंग में भी कैलकुलेट होगा। सही है, इंडिविजुअल बुक्स में तो बहुत आसान है, सही है। ओके, इंडिविजुअल बुक्स में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमने सब्सिडरी को कितने का बेचा। फॉर एग्जांपल हमने सब्सिडरी को बेचा 200 मिलियन का, यानी कि सब्सिडरी बेच दी हमने 200 मिलियन में जी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी जो कैरिंग अमाउंट थी इन्वेस्टमेंट की, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास थी उस इन्वेस्टमेंट को हमने किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ था। जी सर, तो ये 120 मिलियन का क्या आ गया, गेन ऑन डिस्पोजल। जी। अच्छा, ये जो पीछे ये जो सिस्टम हमारे पास चल रहा है ना, ये वाला जी बेसिकली IFRS 9 है। IFRS 9, ओके। क्योंकि IFRS 9 में हमने ये पढ़ा है कि हम इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जी, हर साल उसकी फेयर वैल्यू में जो चेंज आता जाता है इन्वेस्टमेंट में प्लस माइनस करते जाते हैं, और उसके बाद जब वो इन्वेस्टमेंट बिक जाएगी तो सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर लेंगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू से। अगर ज्यादा बैड सेलिंग प्राइस होगी तो गेन आ जाएगा, और अगर कम सेलिंग प्राइस होगी तो लॉस आ जाएगा। ओके, सही है। लेकिन अगर ग्रुप अकाउंटिंग में मुझे गेन और लॉस निकालना है तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर गेन और लॉस कैसे निकलेगा, और इसका अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा और बैलेंस शीट में क्या आएगा। ओके, सही। से तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ग्रुप अकाउंटिंग में गेन और लॉस कैसे निकालते हैं और फिर उस गेन और लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो गेन और लॉस निकालने का एक फॉर्मेट तुम्हें बनाना पड़ेगा, उसके अंदर तुम सबसे पहले के लोगे सेल प्रोसीड, कितने क्या बेचा जी, और उसके अंदर से तुम कुछ चीजें माइनस करोगे, मसलन नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट डिस्पोजल डेट, ये माइनस करोगे जी सर। सही जी। अच्छा जी, और जितनी भी गुडविल बाकी बची हुई होगी, अनइम्पेयर्ड गुडविल, वो भी माइनस हो जाएगी जी। और NCI डिस्पोजल डेट पे जो होगा वो ऐड हो जाएगा। ये तो फॉर्मेट हो गया। ओके, साथ एक मिनट रुकोगे, आपकी बहन ने आज लेके गए थे तो भी आते। अच्छा जी, चलें जी। तो ये फॉर्मेट तुम ज़हन में रखो। ओके, सेल प्रोसीड कितने में सब्सिडरी बेची, हाँ, जिस वक्त सब्सिडरी बेची उस वक्त सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने थे, सही है। बाकी बची हुई गुडविल कितनी थी, अगर गुडविल सारी की सारी इम्पेयर्ड हो गई थी तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। और जिस वक्त सब्सिडरी बेची उस वक्त एनसीआई कितना था सर, अगर अगर क्या बोलते हैं, अगर पेरेंट के पास 60% का गुडविल होगा और रिमेनिंग होगा एनसीआई के पास, तो उसके लिए इम्पेयरमेंट कौन सा लगाऊंगा,
पेरेंट पेरेंट का इसे परसेंटेज लगाऊंगा गुडविल पर, यार रिमेनिंग वो ये परसेंट लगाऊंगा गुडविल पर। गुडविल मेथड के अंदर, फुल गुडविल मेथड के अंदर गुडविल में से टोटल इंपेयरमेंट माइनस होती है। और जो मैं सवाल कर रहा था उस पे, तो एक प्रॉब्लम में एक इसमें आधा परसेंट लिया हुआ है, एक इसमें आधा परसेंट हुआ है। देखो पहले तुम्हें यह आइडेंटिफाई करना है कि गुडविल जो कैलकुलेट हुई है वो पार्शल से कैलकुलेट हुई हुई है या फुल से कैलकुलेट हुई। ओके, 5-6 हो गई तो अलग अलग होगा हाँ क्या? ज्यादा लगेगा बिल्कुल ओके सही। जी सर। अच्छा अब मसला ये है कि सबसे बड़ा जो इशू आता है वो यार, चलो पहले पहले कैलकुलेशन कर लेते ना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि इशू क्या आता है। अच्छा उससे पहले बता दूं तुम्हें कि इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि जो भी गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा ना, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी, जो ग्रुप अकाउंटिंग वाला गेन और लॉस है, वो गेन और लॉस या तो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे या फिर हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये गेन और लॉस कहाँ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ओके सही जी। जिस पॉइंट के ऊपर सब्सिडी खत्म हो जाती है ना, उस दिन से कंसोलिडेशन का प्रोसेस रुक जाता है। जिस दिन से उस दिन से जिस दिन सब्सिडी आपने बेच दी, उस दिन से सब सब्सिडरी वाली अकाउंटिंग खत्म। सही ओके है। जी अच्छा बैलेंस शीट अगर बना रहे होंगे, एसएफपी अगर बना रहे होंगे, तो एसएफपी के अंदर ये जो गेन होगा उठा के आप रिटेन अर्निंग के अंदर डालेंगे, कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। ओके अगर गेन होगा तो ऐड कर देंगे और अगर लॉस होगा तो माइनस होगा। मैं इसका देंगे सही है। जी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सर मैंने फाइनल अकाउंट में देखा था, लाइक एक बार गो थ्रू किया था कैप्टन से, बहुत से जो एडजस्टमेंट है ऑलरेडी रिपीट रिपीट होते हैं। क्या पूछेगा एग्जामिनर बार बार, यार एक ही तो एडजस्टमेंट होती है। मैं जो मसलन जो भी देखा, तो लाइक एक बार गो थ्रू किया था पूरे फाइनल अकाउंट पे, मसलन सेम सेम एडजस्टमेंट रिपीट रिपीट हुआ है। देखो ज्यादातर जो एडजस्टमेंट आती है ना, हाँ तुमने नोट किया ज्यादातर एडजस्टमेंट किसके ऊपर आती है, हाँ नोट किया था, एक तो नॉन जो पीपीए का सबसे आएगा सबसे सबसे जो ज्यादा एडजस्टमेंट आती है वो पीपीई की आती है, जी। उसके बाद डेफर टैक्स की आती है, टैक्स की आती है। हाँ जी वो तो है, पक्का है। सही है। उसके बाद IFRS 9 की आती है। IFRS 9 की आती है। ओके सही है। और उसके साथ जो अदर एडजस्टमेंट्स में आती है तो वो कभी IAS 36 पूछ लेता है, कभी 38 पूछ लेता है, कभी जो है ना वो रेवेन्यू की एडजस्टमेंट आती है, लीजिंग की भी बहुत कॉमन आती है। सर, वो मार्कअप वाले कौन से एडजस्टमेंट है? मार्कअप वाली रेवेन्यू की होती है। हाँ मार्कअप और रेवेन्यू की होती है क्या? उसमें लिखा था कि 40% मार्कअप वो है, पता क्या इसमें होता एडजस्टमेंट है, लिखा होता है। वो इसलिए होता है कि तुम्हें याद है हमने कल हाँ IFRS पढ़ा था, जी तो IFRS के अंदर कहते थे ना अगर दो ट्रांजेक्शन होगी तो प्राइस को एलोकेट करना पड़ेगा। हाँ तो पहले आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस निकालेंगे, तो प्राइस निकालते हुए आपको जी बता देगा कि जी कॉस्ट दी हुई है, मार्कअप दिया हुआ, सेलिंग प्राइस नहीं बता रहा। लाइक हम लोग परसेंट निकाला तो वो अलग है, ये अलग है क्या? तो हाँ लोग सेलिंग प्राइस नहीं मार्कअप, बताते। मार्कअप अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होगा तो सेलिंग प्राइस चाहिए होगी ना, जी तो अगर मार्कअप दिया होगा तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे ओके, मार्कअप किससे इंटू कर देंगे? कॉस्ट से। हाँ ओके okay. मार्कअप जो कंसोलिडेशन में है और
फाइनल अकाउंट में वो सेम सेम होगा क्या? कैलकुलेशन तो सेम सेम होती है। ओके एक सेकेंड साहब, सो ये काम करना। अब ये एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी है, इसके अंदर ऊपर वाले जो फॉर्मेट हैं सारे हम यूज कर लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कितनी परसेंट शेयर्स हमने एक्वायर किए, जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी, एनसीआई फिर वैल्यू ऊपर सही है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 800 है, नेट एसेट 1900 है, गुडविल इंपेयर्ड नहीं हुई। सबसे पहले तो गुडविल निकाल लेते हैं, फुल गुडविल मेथड से गुडविल निकालें जी। सो सर एक बात बताइए, मुझे फुल गुडविल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अभी तक नहीं पता चला। लिखा हुआ होता सवाल में, अब ये सवाल में कौन सा वर्ड लिखा हुआ होगा जिससे तुम आइडेंटिफाई करोगे फुल गुडविल है? तो आप बोले कौन सा आइडेंटिफाई करने को है? एनसीआई इज टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, जब लिखा हुआ एनसीआई इज टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, इसका मतलब है फुल गुडविल मेथड। ओके फेयर वैल्यू, ओके सर, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। देखो ग्रुप अकाउंटिंग में ना फॉर्मेट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मेट सही होगा ना तो वैल्यू खुद ब खुद आ ही जाती है। हाँ, फॉर्मेट बराबर होने चाहिए। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन, ये माइनस हो जाएगा तो ये आ गया आपके पास 1900। जो फेयर वैल्यू जो अगर जो पार्शियल गुडविल के लिए क्या होता है? एक सेकंड। अच्छा जी, डिफरेंस निकालो। गुडविल एट एक्विजिशन कितना होगा? आई थिंक 900 होगा जी। अनइम्पेयर्ड है ना, यही गुडविल डिस्पोजल डेट के ऊपर होगी जी। ये जो फॉर्मेट के अंदर हमने डाला था, सेल प्रोसीड एंड नेट एसेट सब्सिडियरी डिस्पोजल डेट सही है। और सेल प्रोसीड टाइम कौन सा होगा? सेल प्रोसीड भी दी हुई होगी ना, तो डिस्पोज्ड ऑफ ऑल शेयर्स इन डॉक फॉर अ प्राइस ऑफ 3000 जी। सेल प्रोसीड भी आ गई, नेट एसेट उस वक्त इतने थे, एनसीआई नहीं है। अच्छा, एनसीआई जो होता है ना वो डिस्पोजल डेट के ऊपर निकाला जा सकता है, हमें एनसीआई कैलकुलेट करना तो आता है, तो एनसीआई एट डिस्पोजल डेट। एनसीआई निकालने के लिए क्या करते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन जी और पोस्ट प्रॉफिट। अच्छा, पोस्ट प्रॉफिट कहां से कहां तक लेंगे? जो 10% कितना रिमेनिंग बचा होगा शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट कहां से कहां तक लेंगे? नेट एसेट एट एक्विजिशन और नेट एसेट एट डिस्पोजल डेट जी। तो डिस्पोजल डेट पे नेट एसेट 2400 के और एक्विजिशन पे थे 1900 के, माइनस कर देंगे। और एनसीआई की जो परसेंटेज है, पेरेंट की परसेंटेज थी 70, तो एनसीआई था 30%, 30 होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 150 जी सही है।
अब हम डिस्पोजल गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालते हैं, मजे से निकल आएगा। सर एक्चुअली हम लोग फॉर्म में टारगेट तो ऑलमोस्ट डन राइट, हाँ आधा आधा काम हो गया फॉर्म ला जाता है। बिल्कुल, सेल प्रोसीड 3000 जी सही है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट डिस्पोजल डेट वो दी हुई थी ही 2400। अच्छा जी 2400 सही है, एनसीआई एट डिस्पोजल डेट 150 जी, और अनइम्पेयर्ड गुडविल अनइम्पेयर्ड गुडविल कितनी थी 900 की जी, इसको प्लस माइनस करके आंसर निकालो। एक 650 माइनस में प्लस में कैसे आ रहा है, प्लस में आ रहा है जी सेलिंग प्राइस 3000 की है जी, और 2400 600 बचा 750, 900 माइनस करोगे तो आंसर प्लस में कैसे आएगा। तो आपने माइनस में लिखा हुआ उधर, ये लिखा हुआ है काल माइनस ये ना, एफवी ऑफ नेट एसेट ब्रैकेट में अनइम्पेयर गुडविल ब्रैकेट में जी सर, अभी माइनस मुझे तो प्लस दिख रहा था, 150 माइनस सर कितना 150 150। हाँ कैसे माइनस आ रहा है, 150 माइनस आ रहा है। अच्छा 150 माइनस आ रहा है, 150 का लॉस ऑन डिस्पोजल और ये पीएनएल में चला जाएगा या रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। सही है जी सर, इतनी सी कैलकुलेशन है इस कॉन्सेप्ट में। ओके सही है जी, तो ये हो गया हमारा।